हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त राहुल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही प्यारे यूट्यूब चैनल मेरा बागीचा में। दोस्तों, आप मेरे सामने ये जो प्लांट देख रहे हैं, ये प्लांट जो है कि कड़ी पत्ता का है, जिसको कहीं कहीं मीठी नीम भी बोला जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि प्लांट की देखभाल कैसे करनी चाहिए। यहाँ पर ये प्लांट देखिए, इस प्लांट की सारी पत्तियाँ जो है कि रिमूव हो गई हैं। यहाँ पर ये देखिए, इस प्लांट की सारी पत्तियाँ, यहाँ पे इस पत्ती को जो है कि किसी कीड़े ने खा लिया है या फिर यहाँ से टूट गई है। तो ये टूटी नहीं है, जनरली एक कीड़े ने खाया हुआ है और हर पत्ती को उसने जो है काफ़ी बारीकी से खाया हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इसको तोड़ा हो। इसकी पहचान के लिए मैं नीचे दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, जो उस कीड़े के बिट्स हैं यहाँ पर गिरे हुए हैं और ये जो है कि ये पहचान है कि कहीं ना कहीं वो कीड़ा जो है मेरे इस प्लांट पे लगा हुआ है। हर तरफ ज़मीन पे बिखरा हुआ है उसके बीट। नीचे से अगर देखने की मैंने कोशिश किया तो मुझे जो है कि यहाँ पे इसकी पत्तियाँ जो है खाली नज़र आई, यहाँ पे खाली नज़र आई। तो मुझे ये डाउट हुआ कि कहीं ना कहीं वो कीड़ा लगा हुआ है। फाइनली जब मैंने ध्यान से इसको देखा तो यहाँ पर ये देखिए, कुछ इस प्रकार से ये कीड़ा यहाँ पर लगा हुआ है। देखिए, ये हरे कलर का है, सेम जो है इसी प्लांट की तरह, और समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ लगा हुआ है, कैसे लगा हुआ है। मैं काफ़ी देर तक परेशान रहा, बाद में फाइनली मुझे ये जो है कीड़ा मिला। और इसको आप देख सकते हैं, मैं क्लोजअप शॉट दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, तो आप अपने प्लांट की, कोई भी प्लांट हो, जनरली कुछ ऐसे अगर डिजीज़ लक्षण नज़र आया आपको तो आपको जो है बहुत ध्यान से केयर करना है कि आखिर क्या बात है कि इस प्लांट जो है कि सारी पत्ती इस तरीके से रिमूव हो रही है। तो इस कीड़े को निकाल करके मैं फिर उसके बाद आपको दिखाता हूँ। जनरली इसके लिए मैंने एक चिमटी का यूज़ किया है। एक चिमटी लेंगे, चिमटी से जो है कि इस कीड़े को धीरे से हम पकड़ते हैं। ये देखिए, ये देख रहे हैं दोस्तों, काफ़ी ख़तरनाक कीड़ा है और मुझे पता नहीं इस कीड़े का नाम क्या है, लेकिन इसकी वजह से मेरा पूरा का पूरा प्लांट ख़राब हो रहा था। तो आप लोग अपने प्लांट्स का जो है कि केयर जब भी करें तो इस तरीके से ज़रूर वॉचिंग करें अच्छे से। इसकी वजह से इसके सारी पत्तियों की बिट्स खाने के बाद इसके गिरे हुए हैं और ये प्लांट पे काफ़ी बुरी तरीके से चिपका हुआ था। तो इसको हम लोग ऐसी जगह फेंक देंगे जहाँ से ये दोबारा मेरे गार्डन में या मेरे प्लांट के आसपास ना नजर आए। नीचे से सारी पत्तियाँ अच्छी थी, लेकिन यहाँ से जब मुझे डाउट हुआ कि ये पत्तियाँ क्यों खाली नज़र आ रही हैं यहाँ पे, उसके बाद सबसे इसका लक्षण मुझे ये दिखाई दिया कि इसके काले काले दाने की तरह इसकी बिट्स गिरे हुए थे, जिसकी वजह से बड़ा कन्फ्यूज़न मुझे हुआ कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। काफ़ी देर वॉच किया मैंने तो मैंने ये पाया कि मेरी सारी की पत्तियाँ जो है कि यहाँ से रिमूव हुई हैं और ये प्लांट जो है कि अच्छे से यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पा रहा था। अगर कुछ दिन और रहता ये कीड़ा तो शायद ये पूरा का पूरा पत्तियाँ जो है वो काट करके खा जाता। बाकी ये देखिए, काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रही है। ये मीठी नीम है, जिसको कड़ी पत्ता भी बोला जाता है। आप इसको जो है कि कहीं भी आसानी से लगा सकते हैं, बहुत रफ टर्म प्लांट है, कुछ केयर करने की खास ज़रूरत नहीं पड़ती है। महीने में एक बार बस इसे जो है कि आप गोबर की खाद दे दीजिए, वर्मी कंपोस्ट दे दीजिए, और काफ़ी बूसी प्लांट हुआ है मेरा ये। मैंने इसको जो है कि अपने गार्डन में ज़मीन में लगाया हुआ है, इसलिए जो है कि शायद इतना तेज़ी से ये ग्रोथ कर रहा है, हरा भरा है। और अगर आप इसे गमले में लगाना चाहें तो गमले में भी लगा सकते हैं, बस महीने में आप जो है एक बार इसमें गोबर की खाद थोड़ी सी देती रहें। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी आपको। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अपने प्लांट्स को जो है ऐसे ही सेव रखिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ कुछ नया लेकर के। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।